जय यीशु। प्रभु यीशु का प्यार एवं शांति आपके हृदय में सदा रहे। आज आप दुखी हो, निराश हो, मन में तनाव भरा है, जीने का कोई उम्मीद नहीं है। भाइयों और बहनों, आज प्रभु आपके लिए एक नया संदेश देता है जीने के लिए। प्रभु का प्यार इस दुनिया में फैलाने के लिए एज़ेकियेल नबी का अध्याय में, ग्रंथ में 37 अध्याय में सूखी हड्डियों में कैसे जीवन आते हैं प्रभु कहते हैं। एज़ेकियेल नबी को प्रभु का आत्मा उठाकर एक हड्डियों की घाटी में लाके रख दिया। सोचना, स्मशान जगह नहीं है, घाटी है जहां हजारों सूखी हड्डियां पड़ा हुआ है, पड़ी है वहां पे। हड्डी केवल नहीं है, कोपड़ी भी है जो देखने में दर्द डर लगते हैं। और ऐसे केल को वो घाटे में आत्मा, प्रभु का आत्मा घुमा रहे हैं। अगर मैं और आप रहता जरूर डर जाते। और यहां पर प्रभु का आत्मा ईश्वर ऐसे केल को पूछते हैं, मानव पुत्र, क्या इस सूखे हड्डी में जीवन आ जाएगा? ऐसे केल बहुत जल्दी बोले, प्रभु मैं नहीं जानता, आप ही जानते हैं। प्रभु ने एज़ेकियेल से इस प्रकार कहा, मानव पुत्र, क्या हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इनसे ये कहो, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो, प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से ये कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे, मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम्हें मांस भरूंगा और तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम्हें प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूं। जैसे एज़ेकियेल ने ईश्वर की वाणी सुनी, सुना, वो भविष्यवाणी करने लगा। और देखना, इस घाटी में इतनी हड्डियां पड़ी है, सब हड्डियां अपने अपने हड्डियों में से जुड़ने लगा। थोड़ा सा याद कीजिए, किस प्रकार के आवाज हो सकते हैं। उस आवाज सुनकर हम भी डर जाते हैं। यहां पर जैसे भविष्यवाणी करते रहे, हड्डी अपने अपने हड्डियों में जुड़े रहे, फिर वहां पर उसमें मांस भरे, चमड़ी चढ़ाया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसमें प्राण नहीं आया। इसलिए प्रभु फिर से कहते हैं, मानव पुत्र, प्राण वायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो, ये कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, प्राण वायु चारों दिशाओं से आओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे उनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेश अनुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए, वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। सोचना भाई और बहनों, सूखी हड्डी जिसमें जीवन आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन देखिए प्रभु का चमत्कार, जैसे भविष्यवाणी करने लगा। मतलब भविष्यवाणी क्या है? प्रभु का वचन है। हम इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जीव ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त, किसी भी दुधारी तलवार से भी तेज है,
वह मनुष्यों की आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और उनके भावों को और विचारों को प्रकट कर देता है और ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। संत योहन का सुसमाचार में अध्याय 1:1 में हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था, वचन ईश्वर था। हां, भविष्यवाणी ईश्वर का वचन है, ईश्वर की वाणी है। और जब ईश्वर की वाणी, ईश्वर का वचन हर एक व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, उस व्यक्ति को नया बनाते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में जीवन आ जाता है, उम्मीद से भर जाते हैं। यदि आप आज बिना उम्मीद का है, आपका आशा छूट गया है, आप निराश है, मरने पर है, लेकिन आज आप विश्वास करोगे, प्रभु का वचन स्वीकार करो, प्रभु का वचन आपका जीवन को बदल देगा। जिस तरह सूखी हड्डियों में जीवन आया, सूखी हड्डी एक व्यक्ति की समान या सेना के समान कड़े हो गए, उसी तरह आज आप भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, प्रभु के लिए एक साक्षी बन सकते हैं। प्रभु कहते हैं, इसराइली लोग भी वही कहते हैं, वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई है, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। यही हम सबों का भी सोच है। निराशा मंद लोगों से आज प्रभु कहते हैं, तुम्हारा सोच गलत है, तुझे बदलने के लिए मैं आ जाता हूं, तुम्हें अपने कब्र में से निकालने के लिए आ जाता हूं मैं। विश्वास करते हो, आज प्रभु तुम्हारे जीवन को बदल देगा। हमारा प्रभु जीवित है, मरा नहीं है, मृतकों में से जीव मृतकों के बीच में नहीं है, वो जिंदा है। जीवित प्रभु आज हमसे कहते हैं, मैं तुझ पर जीवन भर दूंगा, तुझ पर प्राण वायु फूकेगा। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं आदम को मिट्टी से बनाया, लेकिन उसमें जीवन नहीं था, लेकिन प्रभु उसके नाक में फूक दिया, प्राण वायु फूक दिया। ये प्राण वायु क्या है? पवित्र आत्मा है। आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, जो हमारा जीवन को बदलने के लिए शक्तिमुक्त है। आज प्रभु आपके जीवन में आ जाए और आपको एक नया व्यक्ति के रूप में बदल दे। जय यीशु।